हेलो दोस्तों, मैं राहुल, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए बेल अलार्म घड़ी लाए हुए हैं। ये कैसे वर्क करता है और ये कैसे बनेगा, लास्ट वीडियो आप जरूर देखें। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये बेल अलार्म क्लॉक है। ये पीछे का पॉइंट आप देख ही रहे हैं। ये साइड में जो दिया हुआ है स्विच है, ये लाइट के लिए है। और यहाँ पे देख रहे हैं एक स्प्रिंग है और एक दूसरी तरफ स्प्रिंग नहीं है, तो काफ़ी जंग खा के ये टूट चुका है। तो आइए हम इसको ओपन करके बनाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 स्क्रू लगा रहता है। इसको हम स्क्रू को खोल लिए हैं। स्क्रू खोलने के बाद थोड़ा से आप प्रेस करेंगे तो ये इसका पीछे का कवर निकल जाएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कवर मेरा निकल चुका है। ये देखिए डीसी मोटर लगा हुआ है और इसके बाद यहाँ पे एक पीसीबी भी लगा है और ये बिल के लिए है, इसी खाँचे में ये बैठा रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक स्पीकर है, स्पीकर के पास जो है इसका पॉइंट निकल चुका है। ये हमको लग रहा है गिर गया था, इस वजह से ये पॉइंट वॉइंट सब चटक गया है। ये इसका अलार्म के लिए पीसीबी है, ये लाइट के लिए स्विच है, टच स्विच इसे बोलते हैं। तो आइए हम इसको स्प्रिंग पर ले इसका सही करते हैं। तो स्प्रिंग सही करने के लिए यहाँ पे हम पॉइंट निकाले हुए हैं। पत्ती निकालने के बाद इसके बाद यहाँ पे हम ये रिमोट का स्प्रिंग है, डैमेज रिमोट, डीटीएच का रिमोट था, उसी में से हम इसका स्प्रिंग निकाल ले रहे हैं। इसके बाद यहाँ दूसरे वाले में इसको हम फिट कर देते हैं। ये थोड़ा सा राउंड करके आप निकाल भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा राउंड करके लगाने के बाद इसको हम नोज प्लेयर से इसको दबा देंगे ताकि ये अच्छे से टाइट हो जाए। तो ये नोज प्लेयर से इसको मैं दबा दिया हूँ, ये मेरा आप स्प्रिंग सही हो चुका है। ये देखिए खींचने पे भी बाहर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये मेरा स्प्रिंग पॉइंट सही हो चुका है। तो आइए इसको हम उसी खाँचे में बैठा के पीछे की तरफ इसका एक येलो कलर का वायर, सॉरी वाइट कलर का ये वायर निकाले थे, इसको हम लगा देते हैं। ये देखिए मेरा वायर लग गया है। इसके बाद यहाँ पे हम सेल लगा के देखते हैं ये मेरा ऑन हो चुका है कि नहीं। तो यहाँ पे हम सेल को लगाते हैं। तो सेल यहाँ पे हम लगा दिए हैं। तो आप देख सकते हैं सेकंड ये चलने लगा। उसके बाद ये अलार्म के लिए दूसरा सेल भी हम लगाए हैं। तो ये मेरा वर्क नहीं कर रहा था। यहाँ पे हम टच बटन को दबाए तो यहाँ पे लाइट ऑन हो चुका है। कुछ सेकंड बाद ये ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिक। तो ये लगभग अभी आधा काम हुआ है क्योंकि इसका स्पीकर भी डैमेज है। तो फिलहाल हम इसको पहले चेक कर लेते हैं ये मेरा वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे टच स्विच देख सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे एक प्लास्टिक नुमा बना रहता है। और इसका ये भी ध्यान देना है कि इसका घाट जो बना हुआ है मोटर का बेल वाला, उसी का बीच में रहना चाहिए, तभी ये जाके चलता है। तो यहाँ पे हम इसका स्पीकर भी ओपन कर लेते हैं। ये देखिए स्पीकर ये पॉइंट रहता है, ये टूट गया है, काफ़ी महीन इसका वायर रहता है, इस वजह से ये सोल्डिंग
नहीं हो पाएगा, इसके स्थान पे हमें दूसरा स्पीकर लेना होगा। तो यहाँ पे हमें स्पीकर मिल नहीं रहा था, तो ये टेलीफोन, बच्चों वाला टेलीफोन है, इसको हम मार्केट से लाए और इसके बाद यहाँ पे हम इसका स्पीकर यूज के लिए हम इसे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे घर बना रहता है, इसको हम थोड़ा सा प्रेस करके खींचेंगे तो ये बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं स्पीकर सेम है, इसको सोल्डरिंग मदद से इसको हम निकाल लेते हैं। सोल्डरिंग मदद से निकालने के बाद आप देख सकते हैं दोनों स्पीकर सेम है। तो आइए इसको हम सोल्ड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दूसरा स्पीकर का पॉइंट टूटा हुआ था, इसको हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसको हम निकाल लेते हैं। तो सोल्डरिंग मदद से ये निकल चुका है, तो दूसरे स्पीकर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे सोल्डरिंग हो चुका है। तो यहाँ पे स्पीकर का वायर जुड़ गया है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम एक बार फिर चेक कर लेते हैं। अब इसका म्यूजिक बज रहा है। इसका म्यूजिक चेक करने के बाद इस पर हम क्या है, इसका खांचा बना हुआ है, उसमें हम इसको लगा देते हैं। यहाँ पे टच बटन के ऊपर एक प्लास्टिक लगा रहता है, उसको भी हम रख के उस जहाँ पे इसको हम पैक करके चेक करते हैं। यहाँ पे हम इसको चेक कर रहे हैं, ये अपना वर्क कर रहा है। बट इसमें आपको ये भी देखना है कि जो मेरा अलार्म वाला सुई है वो अदर जगह पे रहने का भी ये वर्क कर रहा है। इसका मतलब है कि इसका सुई भी सही नहीं काम कर रहा है। ऊपर करेंगे तो ये बेल वाला बजेगा और नीचे की तरफ कर देंगे तो ये अलार्म बजेगा म्यूजिक। तो ये इसको हम फिर से सारे पार्ट को हमें खोलना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इसको हिलाने पे ये सुई भी इधर उधर कर रहा है, देख सकते हैं। ये देखिए सिर्फ ठोकने पे ही ये सुई दूसरे जगह से हिल के अब ये नौ पे आ गया है। इसको भी हम सही करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ जो स्टैंड बना रहता है इसको हमें खोलना होगा। ये दो लगा हुआ था इसको भी हम ओपन कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे जो बेल के लिए बना हुआ है इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसको भी जो ऊपर का स्टैंड बना हुआ है इसको भी हमें ओपन करना होगा। यहाँ पे भी दो नट लगे हुए हैं, इसको भी हमें ओपन करना होगा। तो यहाँ पे हम दोनों नट को खोल लिए हैं। तो ये मेरा अभी ऊपर का स्टैंड निकला हुआ है। इसके बाद यहाँ पे बेल बना हुआ है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं दो राड भी लगा हुआ है, इसको भी हमें ओपन करना होगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से ये बाहर निकल गया है। तो यहाँ पे हम चारों सुई को बाहर कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे चेक करना होगा कि ये मेरा अलार्म का टाइम कब ये टिक से आवाज़ करता है, तो इसे चेक करने के बाद ही इसको हमें लगाना होगा। तो यहाँ पे जब भी टाइम सेट करना है तो करेक्ट टाइम करना होगा। तो अभी यहाँ पे बारह पे सब सुई कर रहे हैं।
यहाँ पे ये सभी सूर्य 12 पे हम किए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे घुमा के देखते हैं कि ये अलार्म में कब काम कर रहा है। तो यहाँ पे 10 मिनट पहले ही ये वर्क कर रहा था, तो इसको फिर निकाल के हम यहाँ पे हम 12 पे फिर सेट करते हैं। अभी थोड़ा सा और बाकी है इसको थोड़ा सा और आगे करने के बाद ये अब सही आप वर्क कर रहा है। तो हम इसे सुई लगाने के बाद ये इसको हम फिर से आप सबको सामने पैक करते हैं। थोड़ा ग्लास गंदा हो गया था, इसको भी हम अच्छे से साफ कर लिए हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इसका होल देखना होगा कि जहाँ जहाँ स्क्रू रॉड सब लगा है उसको भी हमें कसना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका दोनों तरफ रॉड को टाइट करते हैं। फिर यहाँ नीचे की तरफ दोनों स्टैंड को हम टाइट कर देते हैं। यहाँ पे बेल के लिए यहाँ पे पॉइंट बना है, इसको भी हम टाइट कर दे रहे हैं। इसमें पिन बना रहता है, उसको सिर्फ लगा के दबाना होता है। और यहाँ पे हम बेल के लिए नट को भी हम अच्छे से टाइट कर देते हैं। आप इतना जरूर ध्यान दीजिएगा, ये ढील नहीं रहना चाहिए, मतलब एकदम अच्छे से टाइट करना होगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी लूज रहेगा तो ये अच्छा सा बेल की आवाज़ नहीं आएगी। अब ये मेरा क्लॉक एकदम सही हो चुका है। सावधानी पूर्वक इसे पैक करना होगा क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वायर रहता है, इतना भी ध्यान देना होगा कि कहीं से ये टच ना करें। तब इसके बाद यहाँ पे हम स्क्रू को टाइट कर देते हैं। तो ये मेरा स्क्रू सारा टाइट हो चुका है। तब इसके बाद यहाँ पे हम फिर से चेक कर ले रहे हैं कि मेरा अलार्म का टाइम करेक्ट टाइम पर ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं 12 पे जैसे ही पहुँचा ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हम म्यूजिक भी बजा के देख रहे हैं, इसका म्यूजिक भी अच्छा बज रहा है। और ये ऊपर की बेल भी देख सकते हैं, ये वर्क कर रहा है। तो हम इसे टाइम सेट करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 8:28 हो रहा है। और हम आप सबने इसको चेक करके दिखाते हैं, तो आप सब देख सकते हैं। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप सब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये जहाँ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। Yeah, I'm not the worst.